Hello everyone, I am Vaibhav Rawat. I have got rank 25 in this year civil service examination. तो overwhelming syllabus को cover करने के लिए आप उसको parts में तोड़ दीजिए कि GS1, GS2, GS3, GS4 इनके अंदर भी individual subjects हैं. History है, society है, geography है, polity है, social justice है, international relations है, economics है, agriculture है, environment है, internal security है, science and tech है, disaster management है. तो इस तरीके से 11 subjects के अंदर आपको पूरा syllabus आपका divide हो जाएगा, साथ में ethics है और आपका जो optional subject होगा वो होगा. इन particular सारे subjects के लिए आपके पास कुछ resources होने चाहिए. उन resources का selection आप कैसे कर सकते हैं? पहली चीज़ आप ये देखिए कि आपके साथ के या आपके आसपास आपके सेम बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड जो लोग शेयर करते हैं, उन लोगों ने कुछ, किसी ने कोई सिविल सर्वेंट बना होगा, उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बताई होगी. अब वो देखिए कि उन्होंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी. सेकंड चीज़ जो आपके साथ आती है कि आपको इतना सारा चीज़ें याद करें कैसे, तो वो ये चीज़ जैसे जैसे आप NCERTs पढ़ेंगे, सबसे पहले आप NCERTs पढ़िए, NCERTs के बाद आप स्टैंडर्ड बुक्स पर जाइए, तो धीरे धीरे आपकी थिंकिंग डेवलप होगी. जब आपकी थिंकिंग डेवलप होगी तो आपको स्लोली स्लोली चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बन जाना चाहिए. जैसे कि 2+2=4 आपको सोचना नहीं पड़ता, आपको पता होता है, वैसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बनेंगी. और वो कैसे बनती हैं? यूजुअली आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई टॉपिक आपने पढ़ा, उस पर आप सोचिए, उस पर आप कोई वीडियो देखिए, उस पर आप थोड़ा सा और अपना समय निकालिए, उस पर किसी से बात करिए, तो धीरे धीरे वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनती चली जाएंगी. इसके अंदर एक तरीका ये भी रहता है कि आप टेस्ट दीजिए. कोई आपने एनसीईआरटी पढ़ी, कोई किताब पढ़ी, उसका आप पर्टिकुलर टेस्ट दीजिए. जब आप टेस्ट देंगे तो आपको वो पता चलेगा कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक याद नहीं था या इसमें आपकी समझ में थोड़ी कमी थी, जो गलतियाँ होंगी. कंसिस्टेंटली कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं? काफ़ी ज़्यादा दिक्कत यही आती है कि हम लोग आज पढ़ा और कल नहीं पढ़ा, और फिर टेस्ट देने का टारगेट बनाया था वो नहीं कर पाए, तो एक विशेष साइकिल में फंस जाते हैं कि हमने मान लीजिए टेस्ट दिया, स्कोर अच्छा नहीं आया, फिर हमें लगता है फिर से हम पूरी किताब पढ़ें, और फिर से हम पूरी किताब पढ़ने बैठ जाते हैं. इस विशेष साइकिल से पार पाने का क्या तरीका होता है? और जो हम कभी कभी शायद आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आज हम लो फील कर रहे हैं, काफ़ी हफ्ते निकल गए हैं, महीने निकल गए हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है सही से, किसी से हम ये बता भी नहीं सकते हैं, जो मुझे काम आया था जो तरीका, वो फर्स्ट चीज़ तो ये थी कि पहले आपके साथ आपने कुछ टेस्ट लिखा और उसमें आपको कोई चीज़ याद नहीं है, तो आपको फिर से पूरी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप उतना ही हिस्सा पढ़ें जितना आपको पता नहीं था. इसके लिए आपको एक माइंडसेट होना चाहिए, जैसे कि 3 Idiots में कहा था कि ज्ञान बढ़ रहा है ले लो. आपको हर वक्त एक अक्वायरिंग नॉलेज वाला माइंडसेट होना ज़रूरी है कि आपको अभी जो बताया जा रहा है आप उसको सीखते जाइए.